दर्शकों जो इंसान चाहते हैं उनके घर में सुख शांति बनी रहे, उन्हें आज की यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो भी तरीके इस वीडियो में बताए जाएंगे, यही सारे तरीके अपनाए हुए हैं, इनसे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है। सच में ये बहुत ही लाभदायक तरीके हैं। जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया और अपने जीवन में यह तरीके अपना लिए, उसका जीवन, उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। इस वीडियो से किसी का घर तबाह होने से बच सकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इस कहानी में 6 तरीके बताए जाएंगे जिससे आपका जीवन, आपका घर स्वर्ग बन सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सबल नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन सबल रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल पड़ा। उसे यह बिल्कुल अंदाज नहीं था कि वह कहां जाएगा, कहां रहेगा, लेकिन एक बात उसने अपने मन में पूरी तरह से ठान ली थी कि वह अब वापस लौटकर अपने घर नहीं आएगा। वैसे तो सबल का पूरा परिवार था, उसकी पत्नी थी, उसकी माँ थी, उसके पिता थे, उसके 2 बच्चे भी थे जो अभी छोटी ही उम्र के थे। सबल की पत्नी दिन में खाली होते ही अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ समय बिताया करती थी। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। लेकिन पड़ोस की महिलाओं को यह बात गवारा नहीं थी कि उनका परिवार खुशी से अपना जीवन जी रहा है। इसीलिए बातों ही बातों में चालाकी के साथ उन्होंने सबल की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए। एक औरत ने कहा कि आजकल की सास पता नहीं कैसी होती है, सब काम अपनी बहू से ही कराना चाहती है, कोई खुद काम करने को राजी नहीं होती। अरे बहू भी तो एक इंसान होती है, वह घर की नौकरानी थोड़ी ना होती है, दोनों मिल बांट कर काम करें तो दोनों को अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, उनको तो अपना शासन चलाना है। इस पर दूसरी औरत कहती है कि मैंने तो अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि अगर साथ में काम करोगी तभी मैं काम करूंगी। यह सुनकर पहले वाली औरत कहती है कि देखो, अगर अपना पति अपनी मुट्ठी में है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम क्या बोलोगी। अपनी सास के लिए ऐसी ही बातें धीरे धीरे सबल की पत्नी के दिमाग में घर कर गई। अब जब भी सबल काम करके वापस अपने घर लौटता, उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सास की शिकायत अपने पति से करने लगी थी, और इसी तरह घर में अशांति बढ़ती चली गई। और एक दिन फिर ऐसा भी आया जब सबल को अपना घर छोड़ना पड़ गया। आज की रात सबल की आंखों में नींद नहीं थी, वो अपना घर पीछे छोड़कर आ चुका था, जीवन साथी वह पीछे छोड़ चुका था, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को। दूसरी तरफ सबल की पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था, उसे अपने गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन कोई क्या कर सकता है जब चिड़िया चुग गई पूरा खेत। अब उसके पास पछतावे के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और लेकिन सबल के परिवार को यह डर भी था कि कहीं सबल आत्महत्या ना कर ले, अगर ऐसा हुआ तो वह लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे रास्ते में चलते चलते सबल को दूर खेतों में एक कुटिया में रोशनी दिखाई दी। सबल उस कुटिया की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं पर काट लेट हूं, कल सुबह सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। जब वह उस कुटिया के पास पहुंच तो देखा कि वहां पर एक महात्मा ध्यान कर रहा था। सबल कुटिया के बाहर ही बैठकर उस महात्मा को ध्यान करते हुए देख रहा था। उसके मन में विचार आ रहे थे कि एक साधु सन्यासी का जीवन कितना अच्छा जीवन होता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई परिवार नहीं, बस भक्ति, ध्यान और यही उनका संसार होता है। कुछ देर बाद जब सन्यासी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने कुटिया के बाहर सबल को बैठा हुआ देखा। सबल को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा कि बच्चे, बाहर तो बहुत सर्दी है, तुम कुटिया के अंदर आ सकते हो। इसके बाद जब दोनों की बातें होने लगी तो सबल ने अपनी पूरी स्थिति उस सन्यासी को बताई। सबल ने यह भी बताया कि अब मैं भी सन्यासी होना चाहता हूँ, इसीलिए अगर आप मुझे दिशा दे सकते हैं तो मैं आपके पास रहकर ही ध्यान का अभ्यास करना चाहता हूँ।
सन्यासी ने उसे समझते हुए कहा कि बेटा, अभी तो तुम गुस्से में हो और गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता, इसीलिए पहले तुम अपने मन को शांत होने दो, उसके बाद भी अगर तुम्हारी यही इच्छा रही तो मैं तुम्हें दीक्षित कर दूंगा। फिर उस रात सबल उसी कुटिया में ही सो गया। कुछ दिनों तक उस सन्यासी के साथ रहने के बाद सबल को अपने बच्चों की याद सताने लगी थी। कुछ दिन और वित जान के बाद उसे अपने माता पिता की और अपनी पत्नी की भी याद आने लगी थी। जब भी वह सन्यासी के साथ ध्यान करने के लिए बैठता था, उसके मन में अपने बच्चों की खिलखिलाहट, अपनी पत्नी के हाथ का खाना फिर से याद आने लगा था। तभी एक दिन सबल ने उसे सन्यासी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं संकट में फंसा हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए। एक तरफ मैं अपने परिवार को त्याग चुका हूँ तो दूसरी तरफ मुझे उनकी याद सताती है, लेकिन उस घर में जाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर ही तो मैंने अपना घर त्यागा था। अगर घर में सुख शांति रहे तो यह ध्यान का अभ्यास तो मैं अपने घर पर रहकर भी कर सकता हूँ, लेकिन घर में सुख शांति किस प्रकार स्थापित होगी, इसका कोई भी तरीका हमें पता नहीं है। अगर आप मुझे कोई सलाह दे सके तो शायद मेरे घर में सुख शांति फिर से लौट आए। उस सन्यासी ने सबल को समझाते हुए कहा कि बच्चा, अगर तुम कुछ नियमों का पालन करते हो, कुछ बातों को अच्छे से समझ लेते हो, तो घर की सुख शांति तुम्हारे हाथों में ही होगी। जाने अनजाने में हम खुद ही अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। बच्चे, सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम जो है वह यह है कि अपना खून अपना ही खून होता है। चाहे तुम्हारी किसी से भी कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार वालों की बातों से ज्यादा महत्व दूसरों को कभी मत देना। जब परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास होता है, यह आदमी हमसे ज्यादा दूसरे लोगों को महत्व देता है, तो आप अपनी इज्जत खुद ही अपने परिवार के सामने कम करवा लेते हैं। इसी से परिवार में फुट पड़ने लग जाती है। आगे से वह भी आपकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे और यही से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी दूरी होने लग जाती है, जिसका फायदा बाहर के लोग उठाते हैं। दूसरा नियम जो दिमाग में रखने का होता है वह यह है कि जब भी परिवार के सदस्यों में कोई आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उससे बात करके सुलझाने का प्रयास करो। अगर कोई बुरी लगी हुई बात परिवार का कोई सदस्य अपने मन में रख लेता है तो वह बात दीमक की तरह हमारे परिवार की सुख शांति को खाने लगती है। इसीलिए कैसी भी बात क्यों ना हो, परिवार के सामने उनके साथ बैठकर उस बात को सुलझाने का प्रयास करो। अपने मन में इस बात को दबाकर मत रखो। अक्सर जब कोई आदमी गलती करता है तो वह उस गलती को छुपा कर रखना चाहता है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि अगर आप अपनी गलती को दबाकर रखते हैं तो आप बार बार गलती करते जाएंगे और वही गलती आपके परिवार में अशांति का कारण बन जाएगी। और हमें परिवार के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहर के लोगों की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठकर उस बात को खुद से ही सुलझाने का प्रयास करो। तीसरा नियम समझना के लिए तुम्हें यह समझना होगा है कि घर में सबसे ज्यादा अशांति इसी कारण से पैदा होती है कि घर में सबसे बड़ा कारण बहू और सास के मतभेद होते हैं। अगर बहू अपनी सास को माँ के समान और साथ सास अपनी बहू को बेटी के समान देखें तो ये मतभेद बहुत हद तक कम हो सकते हैं। अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो तो अपनी माँ की तरफ से बुरे हो जाओगे और वहीं अगर अपनी माँ का पक्ष लेते हो तो अपनी पत्नी की तरफ से बुरे हो जाओगे। घर के मतभेद से आदमी को हमेशा दूर ही रहना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार सारे परिवार के सदस्यों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्याएं परिवार में चल रही हैं, खुलकर आपस में चर्चा होनी चाहिए और जो भी सदस्य घर का मुखिया निर्धारित किया गया है उसकी बातों को सभी को मानना चाहिए। जिस तरह एक देश को अच्छे से चलाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, इसी तरह
एक परिवार को भी अच्छे से चलाने के लिए एक अच्छे मुखिया की जरूरत होती है। अगर देश गलत नेता के हाथों में चला गया तो देश बर्बाद हो जाता है, और इसी प्रकार अगर परिवार गलत मुखिया के हाथों में चला जाए तो परिवार भी अशांत हो जाता है। इसीलिए मुखिया उसे चुनो जो खुद के मदद से परे हो, जो सिर्फ अपने आप की नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोचता हो। अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय सभी भाई आपस में मिलकर सही तरीके से रहा करते थे, क्योंकि सब लोग एक मुखिया की बात मानते थे, उसे मुखिया समझते थे, उसकी इज्जत करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं रहा। चौथ नियम यह है कि अपने परिवार का रहस्य किसी को मत बताना। जो अपने परिवार जनों के बीच बातें हो रही है उनकी चर्चा अपने पड़ोसियों के साथ कभी मत शेयर करना, वरना तो लोग आपके घर के रास्ते आपके घर की कमियां जानना शुरू कर देंगे और समय आने पर उन्हीं कमियों की वजह से आपको पछताना पड़ेगा। जो बात परिवार के लोगों के बीच हो रही है उसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों का विश्वास एक दूसरे पर से उठ जाता है और समाज में आपकी वजह से आपके परिवार का मजाक भी बनाया जा सकता है कि परिवार में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया जाता, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के लाभ और हानि के बारे में हमें चिंता करनी होती है। अगर हम सभी सदस्यों को भूलकर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो परिवार होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, चाहे परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती ही क्यों ना हो जाए। और परिवार वही होता है जो उसका साथ देता है, लेकिन परिवार वही होता है जो गलती होने पर भी अपने परिवार का अपने परिवार के सदस्यों का साथ नहीं छोड़े। परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी एक सदस्य को दास या फिर नौकर नहीं समझना चाहिए। हम सब का फर्ज होता है कि हम मिलजुल कर कम करें। अगर एक आदमी कमाता है दूसरा बैठकर खाता है तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। घर की गाड़ी तभी सही तरीके से चल सकती है जब उसके सभी पहिए बराबर काम कर रहे हो, वरना तो गाड़ी पलट जाएगी। इस तरह परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन जब एक सदस्य पर ही सारा काम ढाल दिया जाता है तो वह अपने आप को उस घर का नौकर समझने लगता है और सभी की इज्जत उसकी नजरों में कम होने लगती है। यही बात सास और बहू पर भी लागू होती है। बहू के आते ही सास समझने लगती है कि अब तो मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भले ही आप अपनी बहू जितना काम ना करें, लेकिन उसके काम में आप कुछ तो हाथ बटा सकते हैं। अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ काम कर रही होती। और यही बात बहू पर भी लागू होती है कि सास की बात मान, उसे अपनी माँ की तरह समझे और प्यार से काम करें। और फिर सन्यासी ने सबल को समझते हुए कहा कि वापस अपने घर लौट जाओ। उन्हें वहां जाकर इन नियमों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से समझाओ ताकि तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो सके, क्योंकि जितना तुम अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश करोगे उतना ही दुखी होते चले जाओगे। परिवार के साथ रहकर उन समस्याओं को सुलझाना ही असली जीवन जीना होता है। घर से भाग जाना उस दुख से दुखी होकर सन्यासी बन जाना, वह सन्यासी जीवन नहीं होता है। और इसी के साथ उस सन्यासी ने सबल को उसके घर वापस जाने का रास्ता दिखाया। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।